हेलो माय स्पार्कल स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई दिव्या ठाकुर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने जो है पिछली वीडियोस देख ली होंगी, और इस वीडियो में आप तभी आए होंगे जब आपने इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट है ज़रूरी, उसके बिना आप कुछ भी करो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर आप फटाफट से इस वीडियो पर आए हो बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, सारे क्वेश्चन जो है ना आपके ऊपर से निकलेंगे। तो मेरी यही सजेशन है कि आप जाइए और कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, और उसके बाद में ये वाली वीडियो देखें, ठीक है? सो फटाफट से विद नो बकवास ओनली काम की बात पर आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक जो है रिलेशन गिवन है और वो डिफाइंड है सेट आर में से, और सेट आर किसका है, रियल नंबर्स का सेट है। और रिलेशन क्या गिवन है, ए कोमा बी, और ए जो है वो लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम जो है चेक करते थे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है। लेकिन इसने हमें पहले ही बोल दिया कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसे हम इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको बोल दिया जाए कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एग्जांपल लेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम जो है जो हमारी जो कंडीशंस होती थी, जैसे रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती थी कि जो ए है वो बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कोमा ए भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। ऐसे सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती थी, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तभी होगा जब बी कोमा ए भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। ऐसे ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती थी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, या बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए कोमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर हो। तब हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट जो है एग्जांपल देंगे। मतलब अगर हमारा रिफ्लेक्सिव, अगर मेरे को प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव जो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ए कोमा ए को क्या कर दूँगी, नोट बिलोंग्स टू आर प्रूव कर दूंगी। एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ए कोमा ए क्या होगा, नोट बिलोंग्स टू आर होगा। तो बहुत सारी बातें कर ली है, फटाफट से अब कॉपी पेन पे स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है? तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक है, फिर भी हम जो है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है, ठीक है? तो ऐसे नंबर्स देखो, 0 भी एक क्या है, रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। ऐसे ही रूट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी रियल नंबर में आती हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं वो भी रियल नंबर्स में आती हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये जो है सेट होता है, पूरा कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का, और इरेशनल नंबर्स का। तो जो सभी का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, रियल नंबर्स बोल देते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या एग्जांपल लेने वाली हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो अब एग्जांपल जो मैं आपको इधर बता देती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ एग्जैक्ट में, जो मैंने इतनी देर तक बड़बड़ की है ना, वो आपको मैं लिख के बताती हूँ कि मैं एग्जैक्टली मैं क्या करने वाली हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी, ए बिलोंग्स टू आर होता था, है ना? हम लेट करते थे कि जो हमारा एलिमेंट है ए वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना पड़ता था, ए को मैं ए को भी क्या करना पड़ता था, बिलोंग्स टू आर प्रूव करना पड़ता था, है ना?
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ए कोमा ए को नॉट बिलोंग्स टू आर प्रूफ करेंगे, राइट। तो अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँगी जिसमें हमारा ए कोमा ए जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर प्रूफ हो जाए। अब हमें रिलेशन क्या गिवन है कि जो ए है वो लेस देन है बी स्क्वायर के, तो अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता तो मेरा रिलेशन क्या होता, जो ए होता वो लेस देन इक्वल टू होता ए स्क्वायर के, राइट। इसके हिसाब से अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता तो ये जो है मेरा रिलेशन होता, पर मुझे तो प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, है ना। तो यहाँ पर रिलेशन क्या चेंज हो जाएगा, जो ए होगा वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगा किसके, ए स्क्वायर के। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं 104% आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उस वीडियो, आपको जो भी डाउट होगा ना उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें हम उस डाउट को भी जो है अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसे देखते हैं, तो क्या करना है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर जो है ये हमें प्रूफ नहीं होने देना। तब इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या लें, तो अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ 1/2, है ना, अगर मैं ए की जगह पर 1/2 ले लेती हूँ ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, 1/2 क्या छोटा होता है 1/4 से, नहीं, 1/2 तो बड़ा होता है 1/4 से, बड़ा होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 1/2 है वो लेस देन इक्वल नहीं है किसके, 1/4 के। और इससे क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको होगा कि यह कैसे प्रूव हो गया, तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना था, रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करने के लिए हमें ये करना था कि हमें जो ए है उसे नॉट लेस देन इक्वल प्रूफ करना था किसके, ए स्क्वायर के, मतलब जो ए है वो छोटा नहीं है किससे, ए स्क्वायर से। ए जो है हमें बताना था कि जो ए है वो बड़ा है ए स्क्वायर से, और वो हमने प्रूफ कर दिया 1/2 जो होता है वो बड़ा होता है 1/4 से। तो ये क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम इसको जो है लिख लेंगे, तो मैं लिखूँगी लेट ए इज इक्वल टू 1/2, तो हमें ये लेट कर लिया, और ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ए जो है हमारा बिलोंग्स टू आर है, आप ऐसे कर दो ए बिलोंग्स टू आर या फिर 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या 1/2, हम ऐसे लिख देंगे कि 1/2 जो है बिलोंग्स टू आर है, सच दैट 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 कोमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो यही चीज़ जो है ना मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जो है ये हमारा ए है और ये क्या है बी है, और रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी ए है और ये भी ए है। तो हमने 1/2 लिया, ए को 1/2 लिया था, है ना, तो रिलेशन क्या था, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, है ना। तो 1/2 हमने लिया, तो 1/2 क्या हुआ, नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4 हो गया, है ना, छोटा नहीं है ना 1/2 1/4 से, बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, तो चलो सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब जो राइटिंग है थोड़ी सी गंदी आपको दिख रही होगी, यार समझने पे ध्यान दो, राइटिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है, इतनी भी बेइज्जती मत करो यार। तो इसमें क्या लेट करेंगे हम, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, ए कोमा बी जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, इसके लिए भी जो है कंडीशन देख लो तुम, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तब होगा जब हमारा ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा बी स्क्वायर के, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन है। सिमेट्रिक में हमें क्या देखना होता है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है कि अगर ए कोमा बी जो है बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, अगर नहीं है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब रिलेशन के हिसाब से इसका मतलब है कि जो ए है वो लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो बी कोमा ए है वो भी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसके लिए क्या रिलेशन होगा, इसके लिए रिलेशन होगा कि जो बी है वो भी
लेस देन इक्वल है ए स्क्वायर के, है ना। तो हमें एक ऐसा जो है एग्जांपल लेना है कि जो हमारा बी है वो लेस देन इक्वल ना हो ए स्क्वायर के, है ना। एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि जो हमारा बी है वो लेस देन इक्वल ना हो ए स्क्वायर के। तो ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि जो एक मिनट, तो लेट करते हैं, लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब इसको आपको बता के रिलेशन के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो प्रूव हो गया ना, 1 तो छोटा होता है 4 से, इसका क्या मतलब हुआ, ये बिलोंग्स टू r है। अब ऐसे ही हम देखेंगे b,a, मतलब 2,1। तो 2,1 में क्या क्या मतलब हो गया कि जो a है, सॉरी जो b है, 2,1 का क्या मतलब है कि जो बी है वो इक्वल टू है 2। बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको रिलेशन के हिसाब से देखें, इसका रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका रिलेशन यहाँ पर है। तो 2 लेस देन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या 2 जो है वो छोटा है 1 से, बिल्कुल नहीं छोटा, 2 तो बड़ा है ना 1 से। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर, और नॉट बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव चेक कर लेंगे। ट्रांसिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, तो मैं आपको जो है दूसरे पेज पे लिखा लिख के दिखाती हूँ, है ना। एग्जांपल हम दूसरे पेज पे लेंगे और फिर हम जो रफ वर्क जो है दूसरे पेज पे कर लेते हैं, है ना, कि उस पर फिर कचड़ पचड़ हो रहा है बिल्कुल। ट्रांसिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ए कोमा बी है अगर वो बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो ट्रांसिटिव प्रूफ करने की क्या कंडीशन होती थी, हमें क्या देखना होता था कि ए कोमा सी भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। ये तो कंडीशन होती थी जब हमें प्रूफ करना होता था कि रिलेशन ट्रांसिटिव है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ए कोमा बी भी बिलोंग्स टू आर होगा, बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन जो ए कोमा सी होगा वो नॉट बिलोंग्स टू होगा आर के, ठीक है। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं जो है a इज इक्वल टू 2 ले लूँ, b इज इक्वल टू -3 ले लें, और c इज इक्वल टू ले लें -1। तो देखो कंडीशन क्या थी, रिलेशन क्या गिवन है हमें, रिलेशन गिवन है a क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए b स्क्वायर के। तो ऐसे देखो, इस वाली कंडीशन के लिए हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, ए होगा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस वाली कंडीशन के लिए रिलेशन क्या होगा, बी होगा लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और इस वाली कंडीशन के लिए सी होगा सॉरी ए होगा लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं लेती हूँ 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। और b यहाँ पर आएगा -3 लेस देन इक्वल टू c का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो a क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू c का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो 2 छोटा होता है 9 से, बिल्कुल छोटा होता है, -3 1 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, 2 1 से छोटा होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। उसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये देखो, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर 2 छोटा था ना 9 से, इसका मतलब है कि जो a कोमा b है वो क्या है, बिलोंग्स टू r है। यहाँ पर -3 छोटा था 1 से, इसका मतलब है कि जो b कोमा c है वो बिलोंग्स टू r है। यहाँ पर जो 2 है वो नॉट लेस देन इक्वल है 1 के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो a कोमा c है
नॉट बिलोंग्स टू आर है, और अगर जब ए कोमा से नॉट बिलोंग्स टू आर होता है उसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांसिटिव नहीं है। तो अब इसकी जो राम कहानी जो हमने इस पर लिख देखी है ना, इसको हम रियल वर्क बुक में करेंगे, फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, ढंग से लिखेंगे इसको। तो लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन। तब हम क्या लिखेंगे कि जो आपको लिखना क्या है, लिखना आपको यही है, ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखनी है, वो ऊपर का नहीं, सॉरी, ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है, ये ऊपर वाला नहीं लिखना, ठीक है। हम लिख देंगे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, बट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, जो आर है वो ट्रांसिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा मैसी सा क्वेश्चन है, समझ में थोड़ा सा कम आता है, पर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ट्रिकी नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिलेशन है आर वो डिफाइंड है सेट में से, और हमें रिलेशन क्या गिवन है ए कोमा बी, और बी क्या है इज इक्वल टू है ए प्लस वन के। तो हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो है हम सेट लिख लेते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है b इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या होगा, इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो अगर मैं a की जगह पर 1 पुट करती हूँ तो b की क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 1 2। अगर हम a की जगह पर 2 पुट करते हैं कि b की क्या वैल्यू आएगी, 2 प्लस 1 3। a की जगह पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो b की क्या वैल्यू आएगी, 4। a की जगह पर अगर 5 पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 6। अब a की जगह पर अगर हम 6 पुट करें, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेट हमें गिवन है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो क्या है, 6 है। और अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर 6 पुट कर दूँगी तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है, सेट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम सेट में 6 पुट नहीं कर सकते। तो हमारा जो रिलेशन है उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो पेयर्स हैं वो यही हैं, ठीक है, यही बनेंगे, जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो यही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। तो आइए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, मैंने किया कि जो 1 है वो बिलोंग्स टू आर है, 1 रिलेशन को बिलोंग करता है। तो फटाफट से चेक करो कि 1,1 रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता, दिख रहा है आपको कहीं पे 1,1 नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं यार, अब तो स्पीड बढ़ाओ, अब ऐसे सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ मैं, रिलेशन में देख के लिख रही हूँ, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो चेक करो कि 2,1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। जल्दीबाजी में ना राइटिंग भी थोड़ी कचरा सी निकल रही है मेरी। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं फटाफट से। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, हम पहले चेक करना होता है 1,2 देखेंगे, मतलब a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखेंगे b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। अब देखेंगे
ए कोमा सी का क्या मतलब है? वन कोमा थ्री, वन कोमा थ्री दिख रहा है आपको कहीं पे? दिखा? नहीं दिखा, इसका क्या मतलब हुआ? वन कोमा थ्री नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। सो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको जो है वो डाउट समझाऊंगी, आपके डाउट को क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।